मैं सभी का दिल से धन्यवाद करना चाहूँगी पूरे ग्रुप का, क्योंकि एक दूसरे को देख के हम लोग मोटिवेट होते हैं। अगर संख्या कम होती है तो कई बार तब भी हम लोग घर बैठ जाते हैं कि इसमें तो कोई पार्टिसिपेट इतना करने वाला नहीं है। इसलिए ये महान आत्माएं जो मेरे आसपास बैठी हैं, इनका तो तहे दिल से धन्यवाद है ही, और आपका भी साथ साथ बहुत धन्यवाद है। तो मैं आपको बताना चाहूँगी कि NDS में मेरा कैसे आना हुआ। मेरा आने का या मुझे कुछ भी समझ नहीं थी कि NDS क्या चीज़ है। मेरे को तो एक फ्रेंड ने एक मैसेज फॉरवर्ड किया था, मैंने उस दिन सिर्फ मैसेज खोल के देख लिया कि क्या है, तो उसको भी मैंने आया गया कर दिया कि ऐसे फॉरवर्ड बहुत आते रहते हैं मैसेज, कोई बात नहीं। तो 3-4 दिन बाद मैंने फिर उठा के फ़ोन को देखा, अभी मैसेज को थोड़ा बारीकी से देखूं भी क्या भेजा है उन्होंने ऐसा। 4 दिन बाद मेरी नज़र दोबारा से उस पर गई तो मैंने देखा कि इसमें सात्विक आहार का विशेष विवरण है, और साथ में मतलब यानी खाना पीना हमारा यहीं रहेगा, घर से नहीं रहेगा। तो मेरा एक जो वीक पॉइंट था वो ये था, चाय मैं पीती थी ज़्यादा नहीं, 2-3 टाइम बट पीनी है बस, वो एक लत लगी हुई। तो मुझे चाय छोड़ने की पिछले 6 महीनों से बहुत ज़्यादा अंदर से लगी हुई थी, ये पता था ये नुकसानदायक। हालांकि कोई एसिडिटी नहीं थी, कोई वैसे लंबी चौड़ी दिक्कत नहीं थी, लेकिन खुद के मन से ये था कि इसको त्यागना है, लेकिन वो कोई जरिया बन नहीं रहा था। मुझे कई फ्रेंड्स कह भी देते थे कि आप चाय छोड़ दो, मैं कहती थी ये नहीं छोड़ती। किसी डॉक्टर के पास जाती तो एक ही बात बोलती कि मेरा ये वीक पॉइंट है, ये चाय नहीं छोड़ती। तो मुझे ये लगा कि 4 दिन मेरा खाना पीना वहाँ है ना, तो मेरा कोई धनी है वहाँ पे मेरे से पूछने वाला कि चाय आपने नहीं पीनी और यहाँ पी ली तो जवाबदारी है, इसलिए उनकी देख रेख में मैं चाय तो पक्का ही छोड़ दूँगी। मेरा सिर्फ एक ही संकल्प था कि मैं चाय को यहाँ से छोड़ के जाऊँगी, इसलिए मैंने NDS को ज्वाइन किया था। बाकी NDS की मेरे को कोई जानकारी नहीं थी, ना कोई इसकी फॉर्मेशन में गई, ना मैंने इसका आगे विस्तार लिया कि NDS क्या चीज़ है। कोई बजट को नहीं देखा, कुछ नहीं। घर वालों से पूछा तो घर वाले कहते तुझे हर जगह जाना होता है जहाँ कोई और नहीं जा रहा, तेरा कोई संगी साथी नहीं जा रहा, तुझे जाना है। मैंने कहा जो मेरी दिक्कत है वो मैं ही समझती हूँ, कोई नहीं समझ सकता, इसलिए मुझे तो जाना ही है। तो मैं ये कहूँगी भी किसी भी काम को करने के लिए ना हमें सरेंडर होना पड़ता है, उसमें रिजल्ट अच्छा मिलता है। सरेंडर का मतलब रिजल्ट अच्छा लेने के लिए हमें मतलब अगले के बिल्कुल वो कह लो भी यानी उनकी जो मत होती है उस पे पूरा फॉलो करना होता है, तभी हमें रिजल्ट मिलता है। कई बार क्या होता है भी कुछ लोगों का दिल माना कमज़ोर होता है या दिल से दुखी होते हैं, तो वो गाने भी ऐसे ऐसे सुनते हैं जैसे मेरी ज़िंदगी है क्या एक कटी पतंग है, तो वो सच में कटी पतंग जैसे ही रहते हैं। अगर हम लोग गाने जो बाबा के गीत हैं ना, बाबा भी अक्सर कहता है, वर्णन करता है गीतों का कि अच्छे अच्छे रिकॉर्ड्स सुना करो आप, तो अच्छे रिकॉर्ड भी बहुत कमाल करते हैं। मेरा भी ज़िंदगी में ना गीतों से बहुत वास्ता रहा है, तो एक गीत के माध्यम से मैं भी गाऊंगी कि मतलब भी किस तरह से मैं अपने दिन की शुरुआत करती हूँ ना, तो सबसे पहले तो यही कहती हूँ, सांवरे जब तू मेरे साथ है तो मेरी हार नहीं होगी। सबसे उठते ही मेरा ये सबसे पहला गीत, ये मेरा कह लो भी अब तो पूरा फीड हो चुका है, कभी मेरे को ऐसे रिमाइंडर नहीं लगाना पड़ता कि मैंने आज कौन सा गीत लेना है, सबसे पहला गीत ये होता है मेरा। और फिर उसके बाद वो ही कह रही हूँ भी अच्छे अच्छे रिकॉर्ड्स कैसे भी बजते रहते हैं, और अभी NDS को ले लिया तो अब मतलब इसके साथ अब मेरा गीत ये रहेगा, मेरी जिंदगी संवारी तूने गले लगा के बैठा दिया फलक से मुझे खाक से उठा के, NDS तेरे जैसा और दोस्त कहाँ। ओम शांति जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया।